ऐसा नंबर लगाना ये तस्वीर सतना की है, जहां बीच सड़क नशे में धुत लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की नशे की हालत में बीच सड़क ड्रामा कर रही है। वीडियो में एक ओर वो खुद को वकील बता रही है, दूसरी ओर लोगों को जमकर गालियां दे रही है। लड़की के साथ उसके दो दोस्त भी नजर आ रहे थे। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब रामपुर से सतना की तरफ आ रही स्कूटी सवार दंपत्ति अरुण सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी सुधा कुशवाहा के साथ सतना आ रहे थे। इस दौरान माधवगढ़ के पास नशे में धुत कार सवार ने स्कूटी सवार को ठोकर मार दी। स्कूटी सवार ने जब बात करनी चाही तो नशे में धुत युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। नशे में धुत युवती ने स्कूटी सवार दंपत्ति से मारपीट भी शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित कोलगवा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन में मामले की शिकायत दर्ज करा दी। गाड़ी ओवरटेक करके आगे लगा दी और मारपीट की धमकी देने लगे और गाली गलौज करने लगे। तो ये वहाँ गाँव वाले आ गए तो ये लोग थोड़ा आगे जाके रुक गए, उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ गाँव वाले सब आ गए तो थोड़ी देर हम लोग वहीं खड़े रहे 15-20 मिनट करीबन। फिर ये लोग निकल गए, हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़े सतना साइड आने के लिए। तो सतना में या माधवगढ़ के पास ये लोग रुक के हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे हम माधवगढ़ से निकले तो उनके साथ एक लड़की और दो लड़के थे गाड़ी में, उन्होंने हमको रोक लिया और फिर से गाली गलौज मारपीट करने, मारपीट तो बाद में चालू हुई, पहले गाली गलौज चालू कर दिया, नाखूनों से और चेहरे पर खरोंच दिया। जब मैंने बीच बचाव किया तो मेरे चेहरे और नाक हाथ पे भी खरोंचने की कोशिश की, झूमा झटकी, मेरे वाइफ का मंगलसूत्र छीन लिया और मेरे जेब से भी कुछ पैसे निकाल लिए। फिर किसी तरह गांव वालों ने हम लोग को बचाया और हम लोग ने पुलिस में कॉल किया। पुलिस जब तक नहीं आई थी तब तक, लेकिन उन्होंने और धमकी देने लगी कि जान से मार देंगे, ये हुआ। तो गाँव वालों ने हम लोग की जान पूरी तरह से धुत थे, नशे में खड़े नहीं हो पा रहे थे। और फिर हम लोग वहाँ से, गांव वालों ने हम लोग को बोला आप निकल जाइए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक उनके साथ जो सचिन शुक्ला के लोग थे वो रॉड निकाल के हमला करने के लिए तैयार हो गए, गांव वालों के ऊपर भी हमला करने लगे। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर नशे में धुत कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं नशे में धुत लड़की के खिलाफ सब इंस्पेक्टर वर्षा सोनकर से बदतमीजी करने पर SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।